सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को और नए नए वीडियो देखते रहो। जल्दी बोल, 1, 2 या 3? 1, 2 मिडिल बॉल। अरे बाप रे बाप, 500 रुपीज, मतलब मेरा पूरा पैसा चला जाएगा अगर तुम दो, इसको मेरा 1000 दो। अभी तो दूंगा, जरूर दूंगा तुमको, लेकिन पहले इसको उठाने दो। फ्रेंड्स, मैं आज आपको 3 स्ट्राइकर वाला ये गेम का पीछे का मैजिक सिखाऊंगा। अब ये तो मैजिक नहीं है, ये जुआ है, लेकिन जब आप लोगों के हाथ में ये करते हुए देखोगे तो आपको ये मैजिक ही लगेगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पैसा हारते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों ये गेम नहीं खेलना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं औसत 3 स्ट्राइकर का जुआ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगा 3 स्ट्राइकर वाला ये जुआ, ठीक है, मतलब ट्रिक। अब इस ट्रिक को लोग जब यूज करते हैं तो लोग अपना पैसा हार जाते हैं, ठीक है, मतलब मेले में जब लोग इसको खेलते हैं। तो आज सच में पैसे के साथ में आपको ये गेम खेल के दिखाऊंगा। और मेरे पास एक दोस्त है, उसके पास भी पैसा है, वो मुझसे पैसा जीतने का कोशिश करेगा। तो इस गेम का रूल सिंपल है, जिस स्ट्राइकर पे स्टिकर लगा हुआ है उस पे पैसा लगाओगे तो पैसा हो जाएगा डबल, और बाकी पे पैसा लगाओगे तो पैसा मैं ले लूंगा, ठीक है। तो चलो गौर से शुरू करते हैं। तो अब देख सकते हो ये स्टिकर लगा हुआ है इसमें, तो इस पे पैसा लगा हुआ है तो तुम्हारा पैसा हो जाएगा डबल, ठीक है। और देखो मेरे पास 2 ब्लैंक स्ट्राइकर है, इसको ऐसे करूंगे और एक बार ऐसे करेंगे, ठीक है। अब तुम्हें बताना है किस पे तुम पैसा लगाओगे तो तुम्हारा पैसा हो जाएगा डबल, 1, 2 और 3, जिस पे तुम चाहो उस पे। मिडिल वन और yes. मेरा बैड लक, ठीक है कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारा पैसा, जैसे कि मैंने बोला था डबल हो गया। तो तुम और खेलना चाहोगे? यस। ओके, तो गौर से देखो फ्रेंड्स, आप भी देखो क्योंकि आप भी सीखना चाहते हो ये गेम। तो मैं जब से इसको एक बार सफल कर देता हूँ, ये स्ट्राइकर और ये स्ट्राइकर और ये स्ट्राइकर, तो आपको ध्यान रखना है कि किस वाले स्ट्राइकर पे है स्टिकर, ओके, और 2 ब्लैंक स्ट्राइकर इधर है, तो 1, 2 और 3। तो आपको अभी पैसा लगाना है किस पे, जिस पे आपको पैसा डबल हो। कौन सा लगता है फ्रेंड्स तुम्हें, कौन सा जल्दी? मुझे लगता है राइट वन। राइट वन, तो पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा बिना लगाने से मुंह से बोलने से नहीं होगा। और तुम इस बार हार गए, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे मौके हैं। तुम्हारे पास पैसा है क्या और, या फिर 100 रुपए लाए थे? मैं मेरा लॉस उठा लूंगा। उठा लोगे एकदम परफेक्ट, यही तो मेंटेलिटी होना चाहिए कि अपना लॉस उठा लोगे। तो फ्रेंड्स आप भी देखो, मेरा ये दोस्त अपना लॉस उठाना चाहता है, ठीक है। तो अब तुम भी, आप भी देखो, इधर है स्ट्राइकर जिस पे पैसा लगाने से पैसा डबल हो जाएगा और इस पे पैसा मैं ले लूंगा। तो इस वाले स्ट्राइकर को गौर से देखो, ठीक है, इस वाले स्ट्राइकर को तुम गौर से देखो। इस वाले स्ट्राइकर को इधर रख दिए, 2 ब्लैंक स्ट्राइकर, एकदम इजी गेम है। इसको इधर लेंगे, एक बार ऐसे करेंगे और 2 बार ऐसे करेंगे। तो अब तुम्हें क्या लगता है कहां पे तुमको पैसा लगाने से तुम अपना लॉस उठा सकते हो, मतलब हाँ तुम कहां पे अपना पैसा जीत सकते हो और पूरा लॉस तुम्हारा रिकवर हो जाएगा, कौन सा? जल्दी बोलो, 1, 2 या 3? 1, 2 या 3? अरे बाप रे बाप, 500 रुपीज, मतलब मेरा पूरा पैसा चला जाएगा अगर तुम दो, इसको 1000 दो। अभी तो दूंगा, जरूर दूंगा तुमको, लेकिन पहले इसको उठाने दो। और तुम हार गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आता है लोगों को और लोग समझते हैं कि वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे और रिकवर नहीं हो पाता। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे ये औसम सा जुआ खेला जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सीक्रेट। फ्रेंड्स, इस जो जुआ है इसका सीक्रेट बहुत ही सिंपल है समझने में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप ये मत खेलना, क्योंकि आप कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि इसका बहुत सारा मूव है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, कॉन्सेप्ट यही है कि वो बंदा आपको दिखाता है वो स्ट्राइकर, लेकिन रखता है दूसरा स्ट्राइकर, ये है कॉन्सेप्ट, ओके। मतलब आपको दिखाया गया स्ट्राइकर और आप समझोगे कि वो स्ट्राइकर इधर रखा गया, लेकिन वो स्ट्राइकर इधर नहीं रखेगा। अब ये वो बंदा कब करेगा कब नहीं करेगा ये मैं नहीं जानता, ये पूरा उस बंदा जो मेले में आपको ये स्ट्राइकर गेम दिखाएगा उसके ऊपर है, ठीक है। तो कभी भी पैसा मत लगाना, सिर्फ देखो दूर से आनंद लो, लेकिन कभी भी खुद मत खेलो। अब मैंने जो किया मैं आपको वो दिखाता हूं। मैंने पहली बार मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने दोस्त को लालच दिया कि वो जीत सकता है। वो पैसा लगाया 100 रुपया और 200 रुपया उसने जीत लिया। अब मैं समझ गया कि उसका लालच बढ़ गया है, अब वो ज्यादा पैसा लगाएगा। तब मैंने क्या किया, दिखाया लेकिन तीसरे बार दिए रखते वक्त मैंने ऊपर वाला रखा, ठीक है। अब उसको 2 खाली भी दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने जो किया वो है इस स्ट्राइकर को इस स्ट्राइकर के ऊपर रखा ऐसे, और ऐसे दिखाया कि ब्लैंक रखा ऊपर वाला स्ट्राइकर
और फिर से उसको दिखाया ब्लैंक, इससे कि उसको पूरा यकीन हो गया कि इसमें ही है वो स्टिकर जिसपे वो पैसा लगाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। फिर मैंने एकदम धीरे 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 किया जिससे कि उसके आंखों को एकदम यकीन हो जाए, मतलब वो कोई भी कंफ्यूज ना रहे और इस पे ही पैसा लगा और मैं उसका पैसा ले पाऊ। और तीसरी बार भी मैंने वैसा ही किया, लेकिन उसको और भी वो बोल रहा था कि उसका लॉस उठा लेगा, तो इसीलिए मैंने जो किया, मैंने बोला देखो साइकिल इधर है, बोल के इधर रखा। सेम मूव मैंने ऊपर वाला एक ब्लैंक साइकिल इधर रखा और दो साइकिल को ऐसे ब्लैंक दिखाया जो कि नहीं है, इसमें एक ही है। और फिर ऐसे किया जो भी आप करना चाहते हो, लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि उस पे पैसा लगाएगा। और उसने पैसा लगाया, 500 रुपया लगाया और हार गया। तो मैंने एक चीज उसको बोला था कि यही मतलब होना चाहिए कि अपना लॉस उठाओ, ये कभी भी ये मत रखना अपने दिमाग में, ठीक है। अगर आप गलती से भी 50 रुपये हार गए तो उस 50 रुपये को जीतने का कोशिश मत करना, घर लौटाना, ठीक है, क्योंकि उस 50 रुपये को जीतने की वजह से आप और भी 500 रुपये हार जाओगे। तो ये है इस ऑसम से जुए का पीछे का सीक्रेट। आई होप आप सबको ये बढ़िया लगा होगा, बढ़िया लगा तो प्लीज एक लाइक दे देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे आपसे ऑसम ऑसम मैजिक मिस हो। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।